ये वर्दी में चलते फिरते लोग आम से दिखते हैं, लेकिन वक्त आने पर अपना सब कुछ कुर्बान करने पर राजी हो जाते हैं। Joining instructions, PAF Academy. What? तुम जो रिश्ता बनाने जा रहे हो ना, उसे निभाना बहुत मुश्किल है। Are you here with your own choice? Yes, sir! मैंने तुम्हें क्या पहन के आने को बोला था? सर, चड्डी के बगैर आना था। हो जानिया तेरी मेरी यारिया, बढ़ जान दे प्यार दी खुमारिया। We welcome our allied partners to the 47th Top Flying Wing Exercise. I am Sarah Francis. This is Flight Lieutenant Virani, Arun Virani from India. अगर एक सेकंड के बाद पुल किया होता ना तो आप इस वक्त यहाँ नहीं होते। हम हैं और हम रहेंगे। तुम अपने प्यार के बदले मुझसे मेरा जुनून मांग रही हो। अगर हम दुश्मन को पसपा करने में नाकाम रहे तो इसका मतलब है सर्जिकल स्ट्राइक्स, जो कि अब तक उनका ख्वाब रहा है। 3, 2, 1, 3। Don't return. Tell my father कि शहीद कभी मरा नहीं करते। बहुत कम किरदार ऐसे होते हैं जो अपने किरदार की वजह से पहचाने जाते हैं, और अपने ही किरदार में रहते हुए वो कारकर्दगी दिखा जाते हैं कि किरदार के किरदार में लोग ढलने लग जाते हैं, और इस कमाल किरदार की वजह से लोग उस किरदार को बरसों याद रखते हैं, क्योंकि किरदार ही किरदार में जान डालता है, दूसरे किरदारों के लिए पहचान बन जाता है और अपने किरदार की कारकर्दगी को कभी मायूस नहीं करता। एक ऐसे ही किरदार की आज हम बात करने लगे, अब तक आप पहचान भी गए होंगे, और उनकी वो अंथक मेहनत कि जिसके बारे में शायद मैं बात करूं तो इतना वक्त भी मुझे ना मिल पाए, लेकिन मुख्तसरन बात कर लेते हैं। आज अपनी मेहनत के, अपनी स्ट्रगल के बाद उन्होंने वो मकाम हासिल कर लिया है कि जो उन्हें मुख्तलिफ ड्रामों में एज ए सपोर्टिंग एक्टर से निकाल कर अब सफ़े अव्वल के अदाकारों में खड़ा कर देता है, लीडिंग रोल्स भी कर रहे हैं, और पाकिस्तान के वो ड्रामे जो टॉप एंटरटेनमेंट चैनल्स पर जिनकी जीनत बने रहे, टॉप पाकिस्तानी ड्रामाज रहे, रेटिंग के अतबार से भी, कमर्शियल्स के अतबार से भी, उनमें अपनी अदाकारी के जौहर भी दिखा चुके हैं। और अभी मुझे नुमान ने बताया कि सिपाही मकबूल हुसैन का किरदार भी बखूबी निभा चुके हैं, और उसके साथ साथ अब जिस किरदार की तरफ वो बढ़ रहे, लेकिन उससे पहले किरदार रह गया मालिक को, हम कैसे भूल सकते हैं। जब ये मालिक मूवी मुझे उनके साथ देखने का इत्तेफाक हुआ था, और मैंने उस वक्त उन्हें ये कहा था कि अगर ये यहाँ मौजूद नहीं होते तो पता नहीं मेरा किस किस्म का शदीद रिएक्शन होता, लेकिन क्या खूब एक्टिंग करते हैं और अपने किरदार से लोगों को नफरत करवा देते हैं, ये हर एक के बस की बात नहीं। जी, नेगेटिव रोल्स के अतबार से काफ़ी शनाख्त रखते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मालिक पर जो बैन लगा था वो इनकी वजह से तो नहीं लगा होगा, तो इस शिद्दत के साथ उस अदाकारी में उन्होंने वो जान डाली कि वाकईतन वो मूवी बहुत ज़्यादा देखी गई, और फिर उसको पसीराई भी मिली, उनके खास किरदार को पसीराई मिली, हकीकत से करीब तर अदाकारी करते हैं और अब पाकिस्तान के शेर दिल के तौर पर भी पहचाने जाते हैं, गो के नाम उनका हसन है, और अभी जिस पाकिस्तानी पायलट ने जिस भारतीय जहाज को गिराया उनका नाम भी हसन था, लेकिन क्या अजीब सा इत्तेफाक है कि उन्हें वो हसन नाम उस मूवी के अंदर नहीं मिल सका, बल्कि उस इंडियन पायलट का किरदार अदा करना पड़ा जो यहाँ पर भी मायूसी का शिकार ही होता है। तो आपकी भरपूर तालियों में दावत देने लगे हैं आपके हमारे हरदिल अजीज हसन नियाज़ी को। Yeah.
Everyone, Hindu in the house. Assalamu alaikum ji, my name is Hassan Niazi. I am Flight Lieutenant Arun Virani from the film Sherdil. I would like if there is something, sir. जी सर मैं भी हाजिर हूँ मैं भी हाजिर हूँ बहुत सारी बातें करने के लिए अच्छा पहले तो मुझे थोड़ा बैकग्राउंड याद आ गया दो बार आपको एक दफ़ा मालिक के रेड कार्पेट पर इंटरव्यू करने का इतफाक हुआ और दूसरी बार एक चैनल में आप मेहमान के तौर पर आए थे वहाँ पर इंटरव्यू करने का इतफाक हुआ तो खैर वो इंटरव्यू था यहाँ थोड़ा सा कुछ ज़रा मुख्तलिफ बात करते हैं पहले तो ट्रेलर देख के आप सबको अंदाज़ा हो गया शायद जिन्होंने फिल्म देखी होगी तो और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी जिन्होंने नहीं देखी ट्रेलर देख कर उन्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि ऐसी कहानी जिसका हकीकी वाकया कुछ दिनों पहले ही पेश आया ये कैसे हो सकता है ये कैसे मुमकिन है कि एक कहानी जो डेढ़ साल पहले लिखी गई एक कहानी जिसके हवाले से सारा कुछ फ्रेमिंग जो थी वो डेढ़ साल पहले चल रही थी वो हकीकतन कुछ दिनों पहले पाकिस्तान में ऐसा हो गया मतलब ये कुछ कहीं से कोई चीज़ प्लांटेड की गई है या सब वही है जैसा दिख रहा है देखिए जी प्रोजेक्ट के हवाले से मैं छोटी सी मुख्तसर सी बात करूँगा कि इट वॉज अ ग्रेट टीम एफर्ट मेजर नुमान खान साहब प्रोड्यूसर राइटर इस फिल्म के उनका पहला प्रोजेक्ट अगर देखा जाए तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया एंड एंड प्रोडक्ट तक बहुत सारी चीज़ें जो थी उनके जहन में क्लियर थी कि उन्होंने क्या प्रोडक्ट डिलीवर करना है असफ जाफरी एज डायरेक्टर ही इज अमेजिंग अगेन उन्होंने ये ब्रिलियंट जॉब किया अपना हमारे पास गुड लक ये थी कि मेजर नुमान खान ने टीम बहुत अच्छी सिलेक्ट की थी हमारे डीओपी जो है मिस्टर विकी वो बाहर से आए थे अपने तमाम तरह एक्सपीरियंस एंड इक्विपमेंट के साथ ग्राफिक्स का काम जो है वो मिस्टर स्कॉट ने किया हु इज नोन फॉर दिस वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड सो आई फील लकी एंड मिखाल जो बात करता है कि शायद हमारा एक टीम एफर्ट जो है वो इंडिया को इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने इसकी मार्केटिंग कर छोड़ी ऐसी कोई चीज़ प्लांटेड हो नहीं सकती कि इंडिया अपना मिग वन गिरा देगा हमारी फिल्म की खातिर लेकिन इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं होगी ठीक है बट जहाँ तक फ्री मीडिया के हवाले से बात करूँ तो ये एक इससे ज़्यादा फ्री मीडिया क्या होगा कि 27-28 फरवरी को एक हादसा होता है और उससे बहुत पहले एक्चुअली मैं कह सकता हूँ कि 21 जनवरी को मैंने अपना क्लाइमेक्स सीन शूट करवाया था और एक साल दो माह के बाद वो एक चीज़ होती है तो पाकिस्तान एयर फोर्स एक ऐसी चीज़ है ड्यूरिंग द शूट बड़ा मुझे मज़ा आता था यूनिफॉर्म में स्पेशली जब जी डी सूट पहनते थे जी सूट हम लेकिन मुझे बैजेस लगते थे मुझे तो मुझे होता था अच्छा ठीक है आई एम अ प्रोफेशनल एक्टर बैजेस को छोड़ दो शक्ल देखो लाइनें देखो कैमरा देखो नेक्स्ट डू इट सो कौन सा मैंने हिंदू हो जाना फिल्म करके बट अगेन जो प्रोडक्ट का लॉन्च अल्लाह मियां ने कर दिया उसमें हसन सिद्दीकी साहब सो हसन रिलेट वहाँ से हो गया रूह खुश है हसन ने नाम रोशन किया बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताद जी यहाँ पे बैठे हुए सैफ भाई मैं 2003 में जब लाहौर से मूव हुआ था तो पहला एक आई गेस 20-25 मिनट का एपिसोड जो है किस्मत के सितारे वो इनकी डायरेक्शन में किया था एंड उस वक्त दो सीन भी ऐसे लगते थे कि पता नहीं कैसे होंगे बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितना भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली डायरेक्टर मेरे सारे सीनियर्स सारे आई फाइंड माई सेल्फ सो लकी जी के मुझे उन लोगों ने अपने साथ बिठाया सिखाया और एक वो एक चीज़ जो होती है ना कि सीखी हुई चीज़ की जिम्मेदारी आप आगे देते हैं जैसे माएँ शायद अपनी बहुओं को किचन की चाबी दे देती हैं उसी तरह मुझे ये स्किल सिखा के आगे किया गया एंड जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज मिली सो अरुण विरानी करते हुए बड़ी चीज़ें होती थी कि अच्छा अप्रिशिएट होगा नहीं होगा आफ्टर मालिक इसमें कितना वजन होगा अच्छा बड़ा सॉरी बात करता हूँ आपकी चूँकि वो आप थोड़ा सा मालिक की तरफ निकल जाए और जब कैडिया फिल्म सामने आने वाली थी उसके बाद अभिनंदन का वाक्य हो जाना लोगों के दरमियान आना एज एन इंडियन ऑफिसर कैसा मोमेंट था वो लोग डाइजेस्ट कर पा रहे थे आपको आप खुद अपने आप को डाइजेस्ट कर पा रहे थे क्या था
बहुत सारी जगहों पे जब मैं फंसता था तो अभी भाई जो थे हमारे, एज एन एक्टर कह सकता हूँ अरुण वीरानी के तौर पे, कि अभी भाई बड़ी कैरी सिचुएशन मेरे लिए छोड़ गए थे कि अगर आंसर ना देना हो तो मैं बोल दूँ कि आई एम नॉट सपोज टू आंसर दैट, ठीक है. और जहाँ पर भी जाना होता तो कुछ चाय पानी हो जाती थी तो सबसे दोस्ती पहले ही कर लेता था उनकी चाय की तारीफ करके कि टी इज फैंटास्टिक. सो लाइन भी है कि हम वी इंडियन आर द बेस्ट, सो ऑडियंस को अकॉर्डिंग टू द मोमेंट एंड सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत इज्जत दी. एंड अभी वाला जो वाकया हुआ था, एक वाकया हुआ आई सेड ओके ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोडक्ट का लॉन्च बड़ा अल्लाह ने खुद कर दिया बड़े बेहतरीन तरीके से. लेकिन जब किस्सा रिवील हुआ तो मैं सर पकड़ के बैठा हुआ था कि एक इल्ज़ाम आएगा प्रोडक्ट 22 दिन रिलीज क्यों नहीं हुआ, हसन न्याजी ने ये सीन बाद में शूट करवाया. बट फॉर्चुनेटली उस वक्त एक गेटअप में बहुत बड़ी दाढ़ी थी, मैं कि जी देख लें कि दाढ़ी को दो हफ्ते में आ नहीं सकती, साढ़े तीन चार महीने की दाढ़ी है, ये हमने पिछले साल कर दिया था, रब दिया रब जाने एक मेजर सपोर्ट हो गई. एंड वी फील सो हैप्पी कि इन क्राइसिस में अगर एक ऐसी टीम एफर्ट के बाद कोई प्रोडक्ट आती है और वो कोई हाईएस्ट ग्रॉसरी करती है बॉक्स ऑफिस पे, सो दिस इज़ नॉट द लिमिट. हमें बैक टू बैक इस सिचुएशन में जो है वो फिल्में चाहिए एंड फिल्मों को देखना चाहिए. मैं इस लेवल पर जाके इस वक्त पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए एक बात बोलूँगा एज एन एक्टर कि आप लोग ट्रैफिक में भी फंस जाते हैं अनविलिंगली. उस वक्त आप बहुत सारे फ़ोन पे काम कर लेते हैं तो सपोर्ट पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री कि आप ट्रैफिक में फंस गए हैं, एटलीस्ट आप लोग मगिंग रॉबरी से बच जाएंगे. आखिरी बात, कोई ऐसा सीन करने लगे किसी फिल्म में जिसमें कोई टैंक वगैरह चला रहे हो या जहाज उबार उड़ा रहे हो, कुछ अच्छा है कुछ सर बहुत शुक्रिया सर आपकी.